नमस्कार सभी को, बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फर्स्ट ग्रेड का अपने कोर्स चल रहा था जिसमें कुछ वीडियोस आपको प्राप्त हो गई थी। इन्हीं वीडियो में अपने लास्ट वीडियो में चल रहा था प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा समय मिला है तो आगे अपनी प्राचीन भारत में जो शिक्षण संस्थान के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख विश्वविद्यालय थे, इनके बारे में अपने को बात करनी है। तो इन्हीं प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थानों की अपने बात करेंगे। हेडिंग है अपनी प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। और इसी शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख विश्वविद्यालय अपने को पढ़ने हैं, प्रमुख विश्वविद्यालय। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और नेट जेआरएफ के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सामान्य पेपर के लिए तो कोई भी इसको देख सकता है, और वैसे भी टीचिंग वीडियो होता है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता ही होता है। इन्हीं विश्वविद्यालयों में अगर हम बात करें कि प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, तो नंबर एक अपने विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा प्रमुख विश्वविद्यालय था वल्लभी, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। मैत्रकवंशी शासकों ने यहाँ पर शिक्षा की सुचारू व्यवस्था की थी। तीसरे प्रमुख विश्वविद्यालय की बात करें तो वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बंगाल में पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय थे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टूडेंट आते थे, और एक पहुंचे हुए आचार्य या व्याख्याताओं के द्वारा यहां पर शिक्षण कार्य करवाया जाता था। इसके अलावा भी भारत में गुरुकुलों की कोई कमी नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सभी के लिए हर जगह उपलब्ध होती थी। लेकिन ये कुछ प्रारंभिक प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में अपने को विशेष रूप से पढ़ना है। आज की जो अपनी वीडियो है वो इसी तीन विश्वविद्यालयों पर आधारित है। सबसे पहले अपने नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय की, और इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसके बाद वाली जो है उसमें हो सकता है मैं थोड़ा सिलेबस में देख लूँगा, अगर दक्षिण भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी इसी टॉपिक में है तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके बाद का अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रमुख सुधार हुए। अगर ब्रिटिश शासक जो यहाँ पर प्रशासक थे, उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था में अपना कोई योगदान दिया है, या ब्रिटिश काल के दौरान कोई शिक्षा का विकास हुआ है, तो उसके बारे में भी अपनी बात करेंगे। लेकिन आज की जो अपनी ये वीडियो है इसका उद्देश्य है जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके आगे के पार्ट को पूरा करना। तो बात करते हैं सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की, बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये वर्तमान बिहार के पटना में एक गांव है, वर्तमान में बड़गांव, और इसी बड़गांव के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी है वो अपने मिलती है ह्वेनसांग से, क्योंकि ह्वेनसांग भारत में आता है हर्षवर्धन के काल में, और यहाँ आके इसने नालंदा में भी प्रवेश किया था, और लगभग 18 माह तक इसने शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा में इसके शिक्षा लेने का वर्णन है वो इसके जीवनीकार वहीली के द्वारा दिया गया था। और ह्वेनसांग ने भारत में यानी नालंदा में जो 18 मास तक रहा था, इसने अपनी जो जानकारी है उसमें उस काल के जो शिक्षा व्यवस्था क्या थी या इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ,
कौन आचार्य थे। तो इस सभी की जानकारी ह्वेन सांग की जो जीवनीकार था वही ली, इसने अपनी पुस्तक सी यू की में किया था। तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। ह्वेन सांग भारत में आया था और इसने 18 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इसी ह्वेन सांग का एक था जीवनीकार, जीवनीकार सॉरी जीवनी थोड़ा गलत लिखा गया, ह्वेन सांग का एक जीवनीकार था और इस जीवनीकार का नाम था ह्वीली। और इस ह्वीली ने एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था सी यू की। और इस सी यू की में इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेन सांग ये कहता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले एक बौद्ध विहार था, पहला बौद्ध विहार, और इस बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त वंश के शक्रादित्य ने की थी। गुप्त वंश का एक शासक शक्रादित्य, जो कि ह्वेन सांग के अनुसार शक्रादित्य ने यहाँ पर सबसे पहले एक बौद्ध धर्म की बौद्ध विहार की स्थापना की थी। ये पहला विहार था। शक्रादित्य की पहचान की जाती है कुमारगुप्त प्रथम से, शक्रादित्य या गुप्त शासक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। और इसकी एक उपाधि और भी है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। तो ह्वेन सांग के अनुसार इस नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था शक्रादित्य ने, और शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से है। तो ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और लगभग 450 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। जब कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना कर दी, उसके बाद क्रम से अनेक विहारों का निर्माण हुआ, अनेक शासकों ने किया था। जैसे दूसरा जो बौद्ध विहार था, पहले बौद्ध विहार की स्थापना हो गई, कुमारगुप्त ने की थी। इसी प्रकार दूसरे बौद्ध विहार की स्थापना बुद्धगुप्त नामक एक शासक ने की थी। इसके बाद तीसरे बौद्ध विहार की स्थापना तथागुप्त ने की थी, तथागत गुप्त ने की थी। इसके बाद एक और विहार की स्थापना वज्र ने की थी। और चलते चलते जब हर्षवर्धन का काल आया, हर्षवर्धन वर्धन वंश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, तो हर्षवर्धन ने यहाँ पर एक ताम्र विहार की भी स्थापना कर दी। क्योंकि हर्षवर्धन के काल में नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी यहाँ पर अध्यापन के लिए अध्ययन के लिए आते थे और अनेक प्रमुख आचार्यों के द्वारा यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाया जाता था। तो हर्षवर्धन के काल में जब इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति होगी, तब यहाँ पर हर्षवर्धन ने भी एक ताम्र विहार का निर्माण करवाया था और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के सुचारू रूप से चलने में अपना सहयोग भी दिया था। हालांकि इस नालंदा के आसपास के जो गांव थे वहां पर बड़ी मात्रा में चावल है या खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो यहां पर आती थी, लेकिन फिर भी सम्राट हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को 100 गांवों की पूरी आय सौंप दी थी। इसी आय से इस नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र जब बन गया, तब हर्षवर्धन ने अपने संरक्षण में इस नालंदा विश्वविद्यालय की सहायता की थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित अपनी कुछ प्राचीन घटनाएं हैं। इसके बाद अगर हम अपने बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, उसकी भी बात जरूरी है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 8 बड़े भवन थे, 8 बड़े भवन और 300 छोटे कमरे होते थे, छोटे कमरे। बड़े भवनों में किसी बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा या बहुत अधिक मात्रा में अगर विद्यार्थियों को संबोधित करना है तो उसके लिए बड़े भवनों का उपयोग किया जाता था। तो 8 बड़े भवन और 300 छोटे भवनों का यहाँ पर निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय भी था और ये जो पुस्तकालय था इसका नाम था धर्मगंज, विशाल पुस्तकालय।
एक मिनट, विशाल पुस्तकालय। इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, और ये जो धर्मगंज है ये तीन भवनों में निर्मित था। कुल देखा जाए तो ये तीन भवनों में इस पुस्तकालय का विस्तार था। बहुत बड़ी मात्रा में प्राचीन ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं। अगर बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जाता तो अपने को ये समस्त प्राचीन अमूल्य निधि प्राप्त होती। ऐसा माना जाता है ये धर्मगंज जो पुस्तकालय था, नाम इम्पोर्टेंट है, धर्मगंज पुस्तकालय था और ये तीन भवनों में विभाजित था। पहले भवन का नाम था रत्न सागर, दूसरा जो भवन था इसका नाम था रत्नोदधि, रत्नोदधि, और तीसरे का नाम था रत्नरंजक। ये धर्मगंज जो पुस्तकालय था, ये पुस्तकालय तीन भवनों में था। पहले का नाम है रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नरंजक। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुस्तकालय थी। इसके बाद अगर हम बात करें ह्वेनसांग के अनुसार, जो नालंदा था ये महायान शाखा, महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की शाखा है, महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान वो शाखा थी जो परंपरागत, जो इनकी परंपराएं थी इनको लिए चलती थी, जबकि महायान शाखा वो थी जिसमें बौद्ध धर्म ने अपना कुछ सुधार कर लिया था, समय के अनुसार सुधार कर लिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें केवल महायान शाखा से संबंधित ही सामग्री प्राप्त हो। इस विश्वविद्यालय में महायान शाखा के अतिरिक्त 18 बहुत अन्य जो प्रमुख विषय थे इनका भी अध्ययन करवाया जाता था। तो महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, विस्तृत पाठ्यक्रम भी था। यहाँ पर खुद ह्वेनसांग शिक्षा के लिए आया था, ह्वेनसांग शिक्षा के लिए आया था, और ये 18 माह तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है। ह्वेनसांग ये कहता है कि इस समय जो इस विद्यालय के कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र, शीलभद्र। और इसी शीलभद्र को ह्वेनसांग ने सत्य और धर्म का भंडार कहा है। ऐसा कहा जाता है कि शीलभद्र एक बहुत ही पहुँचे हुए आचार्य थे जिनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, और इनके जो नॉलेज है उसकी तो कोई कमी नहीं थी। ह्वेनसांग ने इन्हें सत्य व धर्म का प्रमुख भंडार भी माना है। ह्वेनसांग के अतिरिक्त यहाँ पर इत्सिंग भी आया था, इत्सिंग, और इत्सिंग ने यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक अध्ययन किया था, और इत्सिंग ने यहाँ के जो भिक्षु जीवन है इसी भिक्षु जीवन का भी वर्णन किया था। भिक्षु जीवन का वर्णन इत्सिंग के द्वारा किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की ये कुछ प्रमुख बातें थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका प्रशासन कैसे चलाया जाता था, तो अगला जो अपना प्रमुख बिंदु है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन। प्रशासन चलाने के लिए देखिए, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख जो होगा प्रधान वो होगा कुलपति, कुलपति जिसके बारे में अपनी बात की है भी, ह्वेनसांग के समय यहाँ का जो कुलपति था वो था शीलभद्र। कुलपति को सहायता के लिए दो परिषदें होती थी, एक परिषद का नाम था बौद्धिक परिषद और दूसरी थी प्रशासनिक परिषद। एक थी बौद्धिक परिषद, बौद्धिक परिषद, और दूसरी प्रशासनिक परिषद। तो
इन दो परिषदों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का समस्त प्रशासन चलाया जाता था। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। जब सल्तनत काल में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण हुआ, और इसी तुर्की आक्रमण में एक सेनापति था महमूद गोरी, महमूद गजनवी का सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने लगभग 12वीं सदी में इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और यहाँ जो भवन थी और जो पुस्तकालय थे उनमें आग लगा दी, और यहाँ के भिक्षुओं को बड़ी बेरहमी से मारा भी गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में उस प्राचीन नालंदा के समान ही नालंदा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे नालंदा वर्तमान जो है उसके चारों ओर पहाड़ है, तो एक प्राचीन और नया रूप दिया जा रहा है। ये कार्य सन 2007 से शुरू किया जा रहा है, और इस कार्य में दक्षिण एशिया समिति अपना प्रमुख सहयोग दे रही है। दक्षिण एशिया समिति अपना सहयोग भी दे रही है। इसके अलावा प्रमुख देशों की बात करें तो ऑस्ट्रिया, चीन, थाईलैंड, जापान, ये भी इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करने में अपना प्रमुख सहयोग दे रही हैं। शायद हैदराबाद की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये सारा का सारा कार्य किया जाएगा और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा के बाद अगर अगले विश्वविद्यालयों का बात करें तो वो है अपना वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। वर्तमान स्थान की बात करें तो वर्तमान में वल्ल नाम का एक स्थान है, और ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ गुजरात में। ये जो क्षेत्र था यहाँ पर शासन था मैत्रक वंशियों का, मैत्रक वंशी शासक थे, और इस शासक का नाम था भट्टारक, और इसी भट्टारक के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यहाँ पर जो प्रथम विहार बनवाया गया वो एक महिला के द्वारा बनवाया गया, प्रथम विहार, और इस विहार का निर्माण एक राजकुमारी दद्दा ने किया था। दद्दा के द्वारा यहाँ पर प्रथम विहार का निर्माण करवाया जाता है, और ये ध्रुवसेन की पुत्री थी, ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री थी। नालंदा की अपने बात की थी, वो महायान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, और ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ था, प्रमुख केंद्र था, हीनयान शाखा का केंद्र। यहाँ के कुछ प्राचार्यों का भी उल्लेख है, प्रमुख आचार्य, जिनमें एक का नाम है स्थिरमती और एक का नाम है गुणमती। वल्लभी विश्वविद्यालय वर्तमान गुजरात के काठियावाड़ में वल्ल नामक स्थान को यहाँ पर स्थित था। यहाँ पर मैत्रक वंशी शासकों का शासन था, और इन्होंने यहाँ पर वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मैत्रक वंशी एक शासक था जिसका नाम था भट्टारक, और भट्टारक के स्थापना होने के बाद यहाँ पर जो प्रथम विहार था उसका निर्माण ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री दद्दा के द्वारा करवाया गया। आगे अपने बात की थी, हीनयान शाखा का ये प्रमुख केंद्र था, और यहाँ के प्रमुख आचार्य स्थिरमती और गुणमती थे। वल्लभी विश्वविद्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक केंद्र था, और दक्षिण भारत में होने के कारण, उत्तर पश्चिमी भारत में होने के कारण, क्योंकि अपने उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो नालंदा भी था बिहार में, इसके बाद अगला अपने जो विक्रमशिला पढ़ेंगे वो भी था, तो पश्चिम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय ही था। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला अपना विश्वविद्यालय है उसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम
शिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है धर्मपाल के द्वारा। एक पाल शासक हुए हैं धर्मपाल, धर्मपाल बंगाल में पाल वंश का शासक था, और वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार के भागलपुर जिले में। भागलपुर, भागलपुर बिहार में यह विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने अवश्य की थी, लेकिन इसका जो समुचित विकास है वो समुचित विकास हुआ था इसी धर्मपाल के बाद देवपाल के काल में, और यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र था। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो कुल 6 महाविद्यालय थे इसमें, यानी एक बड़ा विश्वविद्यालय, इसके अधीन 6 महाविद्यालय, और प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक या आचार्य रहते थे। तो लगभग 648 आचार्यों का ये इतना बड़ा एक शिक्षण केंद्र था। अब जहाँ आचार्य 648 यानी 650 आचार्य आचार्य होंगे, वहाँ पर बच्चों की संख्या का तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 प्रमुख महाविद्यालय थे। यहाँ जो केंद्रीय भवन था, इस केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन कहा जाता था। यहाँ का जो केंद्रीय भवन था इसे विज्ञान भवन कहा गया था। विज्ञान भवन। इसके अलावा इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले द्वारपाल होते थे। जो 6 प्रमुख द्वार थे, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, इस प्रकार जो 6 प्रमुख द्वार थे, इन 6 प्रमुख द्वारों पर द्वार पंडितों की नियुक्ति की जाती थी, द्वार पंडित। और इन द्वार पंडितों का कार्य था जो भी व्यक्ति महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उस क्वेश्चन का सही से आंसर दे दिया जाता है तो उसे इस महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। तो द्वार पंडितों से ही प्रवेश प्राप्त होता था। अपने बात की थी नालंदा महायान शाखा, वल्लभी की बात करी वो हीनयान शाखा, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये वज्रयान शाखा का प्रमुख विश्वविद्यालय है। वज्रयान शाखा यानी जो तंत्र मंत्र वाली जो शाखा थी, और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कार्य भी बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण किया तब यहाँ के जो कुलपति थे वो थे शाक्य श्रीभद्र कुलपति, और ये कुलपति का नाम था शाक्य श्रीभद्र। तो ये थे अपने प्राचीन भारत से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय। और इसके बाद अगर दक्षिण भारत वाला अपने है सिलेबस में तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।